सहारनपुर थाना देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत घूना में टोल और डंपर की जबरदस्त भिड़ंत, दो लोगों की मौत, एक दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु घायल। सभी घायलों को पुलिस ने, गांव वालों की मदद से क्षेत्रवासियों ने सभी को जिला अस्पताल भिजवाया। आमने सामने की हुई टक्कर में ट्रैक्टर ट्रॉली के उड़े पर खच्चे। सत्संग घर की बताई जा रही है ट्रैक्टर ट्रॉली, कई लोगों के घायल होने की सूचना। राहगीरों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया। सूचना के बाद पुलिस मौके के लिए रवाना हुई। देहात कोतवाली क्षेत्र के पेहट रोड के घुन्ना गांव के पास की घटना। जी हाँ, सुबह 7:45 के अराउंड ये सूचना मिलती है कि एक ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली लगी हुई थी, जिसमें कुछ 40 से 50 लोग बैठे हुए थे और वो कहीं बेहट क्षेत्र से पिलखनी की तरफ जा रहे थे राधास्वामी सत्संग में। तो घुन्ना जो गांव पड़ता है बीच में, उसी रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ भारी वाहन से उनका, जिसकी वजह से करीब कुछ 15 से 16 लोग इंजर्ड हुए हैं। उसमें दो लोग जब हॉस्पिटल आए गए तो एक्सपायर कर गए हैं, बाकी अभी 13 से 14 लोग जो हैं अभी अंडर ट्रीटमेंट हैं। मेरी CMS साहब से खुद बात हुई है, उनकी द्वारा बताया गया सभी आउट ऑफ डेंजर हैं। जो भी छोटी मोटी उनको ट्रीटमेंट देना है वो कार्रवाई अभी कराई जा रही है और ये बहुत जल्दी डिस्चार्ज भी हो जाएंगे यहाँ से। सर, देखा जा रहा है सहारनपुर में लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं बार बार, ये डंपरों के, इसी में कभी ट्रक खाली होते हैं, कभी भरे होते हैं और बड़ी तेजी से जल्दबाजी में लोग निकलते हैं। इन पर सर रोकथाम करने के लिए क्या सहारनपुर पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है? पूर्व में भी जब ऐसी एक्सीडेंट की तादाद बढ़ी थी, जो भी इनका डंपर्स का मूवमेंट है वो जितनी भी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया हैं, शहर है, उनकी तरफ से बंद कर दिया गया था। अभी भी जो डंपर है जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो हमारी गिरफ्त में है, कब्जे में है। तो उससे भी संबंधित हम बताया जा रहा है खाली डंपर था, वो लोडेड नहीं था और अभी उसके मालिक और ड्राइवर के बारे में भी पता करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह की घटना आगे ना हो इसके लिए भी हम देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।